ऐसी पार्टी है जो व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़े देश के लिए अभाव है। जो पार्टी दल से ज्यादा देश के प्रति भाव रखे, ऐसे राष्ट्रवादी विचारों से और करो, दुनिया में कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता। हम लोग ओबीसी मोर्चे के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के उस अभियान में अपनी छोटी मोटी भूमिका निभाते हैं और इस आशा उम्मीद के साथ निभाते हैं कि हम भी राष्ट्र के प्रति अपनी सेवाओं को देकर, हम भी भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत होकर, हम भी अपने आप को मिले हुए कामों को धरातल पे पार्टी के मतानुसार पूरा करके हम भी इस राष्ट्रीय गौरव में अपने आप को शामिल कर सके। इस नियत से लगातार पिछले पौने दो सालों से ओबीसी मोर्चा अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहा है। मैं इस बात के लिए बहुत प्रफुल्लित रहता हूँ। अभी आप में से बहुत सारे साथी कानपुर की प्रदेश कार्य समिति में गए होंगे और आज आप सबकी मेहनत की वजह से, आप सबके समर्पण की वजह से, आप सबके अनुशासित व्यवहार की वजह से आज उत्तर प्रदेश में, चाहे कानपुर की प्रदेश कार्य समिति हो या अयोध्या की कार्य समिति, काशी में ओबीसी मोर्चे का प्रशिक्षण वर्ग हो या सम्मेलन, जो भी अभियान भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मोर्चे को दिए, हमारे प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं ने उन अभियानों को, उन कामों को, उन दायित्वों को निभाकर उत्तर प्रदेश ने यह प्रमाणित किया कि उत्तर प्रदेश में यदि कोई भी बड़े से बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी का मूल संगठन या हमारा कोई और प्रकोष्ठ या मोर्चा कर सकता है तो उससे ज्यादा काम ओबीसी मोर्चा करने की सामर्थ्य होता रहता है। बहुत सारे भाइयों का जाना कानपुर में हुआ, मैं भी हर्षित होता हूँ, मुझे भी उसकी एप्रिसिएशन मिलती है। कानपुर की कार्य समिति में बहुत कम होता होगा इस तरह का प्रबंधन तो आप सबकी वजह से हो जाता है, लेकिन प्रदेश के नेता का आना, प्रदेश सरपंच जी का हमको मार्गदर्शन मिला, प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब को हमका हमको मार्गदर्शन मिला, हमारे प्रदेश के प्रभारी सरपंच जी का मार्गदर्शन मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा का हमको आशीर्वाद मिला, हमारे ओबीसी कमीशन के नेशनल चेयरमैन आदरणीय अंसा रहीम जी का हमको मार्गदर्शन मिला। यानी देश आज परिस्थिति ये बन गई है ओबीसी मोर्चे की कार्यशैली की वजह से कि किसी को अगर हम निमंत्रण करते हैं, चाहे राष्ट्रीय नेता हो या प्रदेश के नेता हो, के साथ आइए, हमारे ओबीसी मोर्चे का प्रशिक्षण वर्ग है या ओबीसी मोर्चे की कार्य समिति है, तो सब नेता इस बात की आशा रखते हैं कि यदि मोर्चे के लोग हमें भी बुला लें तो हम भी देख लें कि मोर्चे के लोग कितने अच्छे से प्रबंधन करना चाहते हैं, कितने अच्छे से अपने कार्यों को निभाना चाहते हैं, जानते हैं। तो आज ओबीसी मोर्चे को एक अच्छे संगठन के रूप में पहचान मिली है और ये पहचान अगर हमें आगे भी कायम रखनी हो, ये इस पहचान को हमें आगे और बढ़ाना हो, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमें बाकी अभियानों पर भी, आने वाले समय में मिलने वाले कामों को भी हमें वैसे ही करना होगा या उससे ज्यादा मेहनत के साथ करना होगा जैसे हम पहले से करते आए हैं। आपको मालूम है सर कि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक राष्ट्रीय स्तर का ओबीसी मोर्चे का बहुत बड़ा अभियान हमें मिला है, जिसमें ओबीसी मोर्चे का प्रत्येक पदाधिकारी, चाहे राष्ट्र का हो, प्रदेश का हो, क्षेत्र जिला मंडल का हो, प्रत्येक पदाधिकारी को गांव गांव चलो, घर घर चलो अभियान के माध्यम से 10-10 गांवों में जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियां और विरोधियों की उन
मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ जो षड्यंत्र अपोजिट पार्टी के लोग करते रहते हैं, उस षड्यंत्र से भी हमें पिछड़े समाज के लोगों को आगाह करना है, अलर्ट करना है। अभी आपने देखा कल एक फैसला आया, सूरत की कोर्ट ने कल फैसला दिया कि राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा की घोषणा कर दी। 2 साल की सजा किस केस में कर दी साहब? इस केस में कर दी कि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले राहुल गांधी जो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं थे कल तक, अब तो सदस्य भी चले गए, मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहेंगे, गांधी परिवार के चिराग के रूप में भी लोग उनको देखते हैं। अब राहुल गांधी जैसे नेता ने आखिर पिछड़े समाज के अतः बैकवर्ड क्लास के मोदी जाति पर टिप्पणी कर दी, उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषण दे दिया, बात कर दी, मामला न्यायालय में चला, न्यायालय ने मौका दिया कि राहुल अगर आप माफी मांगना चाहे तो माफी मांग लीजिए, केस समाप्त हो सकता है, लेकिन उनका ही कार्य पिछड़ों के प्रति उनके मनों की नफरत, पिछड़ों के हित में किए गए तमाम फैसले, उसके आधार पर उन्होंने माफी नहीं मांगी। अब माफी नहीं मांगी, ट्रायल हुआ, जजमेंट हुआ, 2 साल की सजा भी हो गई और साथ के साथ संसदी से भी वो बर्खास्त हो गए। ऐसे संयंत्र, ऐसी घटनाएं आपने देखा पहले भी हुआ। राफेल के मुद्दे पर राहुल गांधी ने बड़ा ढिंढोरा पीटा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ढिंढोरा पीटा साहब, बड़ा करप्शन हो गया, राफेल घोटाला हो गया, मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। ये पहली बार नहीं है कांग्रेस पार्टी के नेता राफेल पर सवाल उठाते हैं, माफी मांग के आते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता 1984 में सिख दंगों से एक धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, रोज माफी मांगते हैं। मोदी जी के खिलाफ अनाप शनाप बातें करते हैं, रोज माफी मांगते हैं, और अहंकार इतना बढ़ गया कि अब तो माफी भी नहीं मांगते हैं। हमें निंदा करनी चाहिए ऐसे कांग्रेस के नेताओं की, हमें निंदा करनी चाहिए ऐसी कांग्रेस पार्टी की जो पिछले पदों के छोटे छोटे संख्या में रहने वाले समाजों का अपमान करके कहीं ना कहीं उनके मनोबल को गिराने का काम कर रहे हैं। इसलिए गांव गांव चलो, घर घर चलो अभियान हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप जानते हैं कि इसी कांग्रेस पार्टी की वजह से पिछड़े वर्गों के लोगों को देश में आरक्षण 40 साल लेट मिला है, 40 साल। अगर कांग्रेस पार्टी की नियत में, नीति में पिछड़े वर्गों के कल्याण का भाव होता, पिछड़े वर्गों के अधिकारों का भाव होता, और जो आरक्षण उनको 27% 1993-1995 में मिला, अगर वो आरक्षण हमको 1952 से मिल जाता तो कल्पना करके देखिए कि उन 40 सालों में ना जाने कितने बच्चे हमारे शिक्षा पाके देश और प्रदेश की बड़ी सेवाओं में होते, ना जाने हमारे लाखों पिछड़े समाज के लोग अलग अलग चुनावों में सफलता हासिल करके बड़े बड़े नेतृत्व को आज निभा रहे होते। 40 साल में 1953 में काका कालेकर आयोग बना था सर, 1953 में जब आदरणीय नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, 2 साल बाद 1955 में काका कालेकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की,
और वो न्यूज रिपोर्ट को लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार दबाती रही, लगातार आयोग पे दबाव बना के इस बात के लिए प्रेरित करती रही कि किसी भी स्थिति में अति पिछड़े समाज के लोगों को, अगर बैकवर्ड क्लास के लोगों को रिजर्वेशन ना मिले, रिजर्वेशन ना मिले। इसलिए लंबे समय तक काका कार्यक्रम की आयोग को प्रकाशित नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया गया। तब 1978 में बीपी मंडल कमीशन बना, और बीपी मंडल कमीशन जब बना उस समय जनता पार्टी के सहयोग से चलने वाली सरकार थी। उस सरकार में बीपी मंडल आयोग बना और एक साल में ही उन्हें अपनी रिपोर्ट देकर अनुशंसा करती थी कि देश के पिछड़े वर्गों को 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। प्रस्तावना जो थी मंडल कमीशन की, वो संख्या के आधार पर रिजर्वेशन देने की थी, लेकिन मामला सर्वोच्च न्यायालय ने लिया और सर्वोच्च न्यायालय ने 50% आरक्षण की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया कि पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन 52% नहीं केवल 27% दिया जाएगा, क्योंकि पहले से 15% एससी को और 2% एसटी को पहले से रिजर्वेशन मिला था, तो 50% से ज्यादा हो नहीं सकता था। इस नाते जो रिजर्वेशन 1953 में मिलना चाहिए था वो 1993 से मिलना शुरू हुआ। हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, हमें सजग रहना पड़ेगा। और ओबीसी मोर्चे से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की उम्मीदें हैं, आशाएं हैं। ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेताओं की आशाएं हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश आबादी दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है और देश की सत्ता का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश रहता है। इसलिए हमेशा राष्ट्रीय नेतृत्व भी, प्रांतीय नेतृत्व भी ओबीसी मोर्चे को नए नए अभियान देकर उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों को जागृत करने के लिए, पार्टी के साथ जोड़ने के लिए हमें प्रेरित करते रहते हैं, हमें काम देते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ओबीसी मोर्चा और ओबीसी समाज कितना महत्वपूर्ण है भारत के लोकतंत्र के लिए, कितना महत्वपूर्ण है राष्ट्र के निर्माण के लिए, कितना महत्वपूर्ण है राष्ट्रवादी सोच को बढ़ाने के लिए, और कितना महत्वपूर्ण है 2024 में देश के प्रधानमंत्री को हैट्रिक लगाने के लिए। इस गंभीरता को हम सब ओबीसी मोर्चे के कार्यकर्ताओं को समझना है, सब कार्यकर्ताओं को निभाना है। भारत की राजनीति और भारत का लोकतंत्र आज आपकी भूमि पर आकर टिक गया है। देश में ऐसे मौके बहुत कम होने होंगे कि भारत की राजनीति अन्य पिछड़ा वर्ग समाज पर आधारित हो, भारत की सत्ताओं का सृजन ओबीसी समाज के माध्यम से हो, भारत की नीतियों की रचना ओबीसी समाज के सुझावों के माध्यम से हो, यानी प्रदेश भी और देश भी और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व पिछड़े वर्गों की सहभागिता पर, पिछड़े वर्गों के समर्थन पर, पिछड़े वर्गों के मोर्चे पर प्रदेश और देश की सत्ता के सृजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में मानता है। जब देश और प्रदेश मोर्चे को और ओबीसी समाज को सत्ता के सृजन का माध्यम मान ले, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा दायित्व तो बहुत बढ़ गया है, हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। और जिम्मेदारी अगर हमारी बढ़ गई है तो उसको निभाने के लिए भी हम सबको सजग रह के तैयारी करनी पड़ेगी। आप जानते हैं कि देश में पहली बार हुआ ओबीसी कमीशन को नेशनल लेवल पर
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला। आप सब जानते हैं अभी वर्तमान में ओबीसी कमीशन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। आप ये भी जानते हैं कि आपकी सरकार ने केंद्रीय विद्यालय सैनिक विद्यालयों में 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को मिला। आप ये भी जानते हैं कि मोदी जी की सरकार के ही कारण नीट जैसी परीक्षा में जिससे डॉक्टर्स एमबीबीएस एमडी डॉक्टर के बनने के रास्ते खुलते हैं 27% रिजर्वेशन मिला। और भारत की कैबिनेट में भारत के संविधान में रिजर्वेशन का प्रतिशत 27 है लेकिन भारत की कैबिनेट में राजनीतिक हिस्सेदारी का प्रतिशत 35 है। मोदी जी की कैबिनेट में पिछले वर्ग के सांसदों को 35% सांसदों को मंत्री बनाकर पूरे देश के पिछले वर्गों के राजनीतिक अधिकारों को देने की जो बड़ी पहल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुई है उसका कभी कोई मुकाबला 50 साल कांग्रेस का राज रहा कभी इस पार्टी ने ऐसी पहल नहीं की। अब जो पूरे बेहतर समाज के शिक्षा की चिंता करती है, संविधान की चिंता करती है, अधिकार की चिंता करती है, उत्तर प्रदेश में भी देखा हम तो विधानसभा में बोले कि मोदी अभी हमारा बजट आया इसी बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्गों के बच्चों की स्कॉलरशिप को पूर्ण करने के लिए पिछले बच्चों के फुल पूर्ति पूर्ति को कंप्लीट करने के लिए पिछले वर्गों के बच्चों में समाज में अवेयरनेस पैदा करने के लिए एक मुफ्त 527 करोड़ रुपए की लगी करके पिछड़ों के प्रति अपनी संवेदना दिखाई और ये प्रदर्शित किया कि हम किसी भी स्थिति में बैकवर्ड समाज के लोग हों या बच्चे हों उनके सर्वांगीण विकास में किसी प्रकार की भी कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। इस तरह का भाव बजट में भी है। प्रदेश की सरकार की में हिस्सेदारी 41% साहब कौन सोच सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में इतने बड़े पैमाने पर पिछले वर्गों को कभी हिस्सा मिलेगा। सपा की सरकार बनती है एक परिवार के लोग कैबिनेट में भी होते संगठन में भी होते। कांग्रेस की सरकार बनती है चंद लोगों के हाथों में सत्ता और संगठन चलता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मूल सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबके विश्वास के अर्जन का निश्चित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो रोजगार का हो राजनीति का हो हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बराबर हिस्सेदारी देकर अपने मूल सिद्धांत को पूरा करने का काम किया है उत्तर प्रदेश में भी किया और देश में भी किया। इसलिए अब आने वाला समय अभी आप रोजाना कभी अखिलेश का बयान देखते होंगे कभी बसपा का बयान देखते होंगे। आज भी हम सहजानपुर में थे तो मीडिया वाले सवाल करते हैं कि सर अखिलेश यादव जी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जातिवाद जनगणना नहीं करा रही है। आपसे भी हम सवाल करें गुमराह नहीं होना है समाज को गुमराह नहीं होने देना है और उन लोगों से पूछना है सर अखिलेश यादव जी की पार्टी तो उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार में लेंगे क्या आपने जाति जनगणना कराई है। उनसे पूछना है समाज को बताना है कि अखिलेश यादव जी की पार्टी 4 बार सत्ता में रही है एक समाज के बीच घूमती रही है एक परिवार के बीच घूमती रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जाति जाति खेलते हैं परिवार परिवार खेलते हैं भ्रष्टाचार की बात करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे षड्यंत्र सपा के लोग बसपा के लोग कांग्रेस के लोग हमारे बीच में हमारे समाज के बीच में गुमराह करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान को तेजी देनी है। हमें महापुरुषों के जन्मदिन मना के समाज में संवेदना पैदा करनी है समरसता पैदा करनी है। हमें जिलों में मंडलों में कार्य समिति करके अपने संगठन को दुरुस्त करना है। हमें उत्तर प्रदेश और देश की सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जाकर जनता के साथ कनेक्ट
यानी हम सबका दायित्व आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए हम सबका दायित्व बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ये संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी देश ने ये संकल्प लिया है कि आने वाले 2024 के चुनाव में जिसका देश के अंदर माहौल है मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र आगे बढ़ा है, योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ा है, देश की जनता को प्रदेश की जनता को लगा है कि यदि देश में किसी पार्टी ने राष्ट्र को प्रमुख मान के काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, कार्यकर्ताओं ने किया है, सरकारों ने किया है। इसलिए आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक आवाज बुलंद की है कि 2024 400 के पार का टारगेट लेकर भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव के में जाने के लिए तैयार है। नगरीय निकाय के चुनाव में सभी सीटों पर जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने रणनीति पर तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ अपने ओबीसी मोर्चे के सभी भाइयों से, सभी नौजवान साथियों से कि जो भी काम, जो भी अभियान भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, ओबीसी मोर्चे के माध्यम से हम सबको मिलता है उसको अच्छे से निभा कर 2024 में मोदी जी देश की सरकार में हैट्रिक लगाएं, इस भाव से हम सबको काम करना है। ओबीसी मोर्चा लगातार सफलताओं के नए नए चरम छुए आप सबको मालूम है। मैं आज मंत्री के रूप में सेवा कर पा रहा हूँ ओबीसी मोर्चे की वजह से, भाई हरीश जी आज एमएलए के रूप में सम्मानित हुए हैं ओबीसी मोर्चे की वजह से, भाई दया शंकर जी प्रदेश में मंत्री बने हैं ओबीसी मोर्चे की वजह से, अल्पवंशी हमारी क्षेत्रीय मंत्री एमएलए बनी है मोर्चे की वजह से, गुरु प्रसाद मौर्य जी एमएलए बने हैं मोर्चे की वजह से, राम प्रसाद प्रधान एमएलसी बने हैं मोर्चे की वजह से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एमपी बने हैं यूपी से मोर्चे की वजह से। ऐसा कोई पद नहीं, ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं जो मोर्चे के लोगों को पार्टी ने ना सौंपी हो। और ये क्रम अभी यही रुकने वाला नहीं है, हम कोशिश करेंगे पार्टी से आग्रह करके कि और भी कार्यकर्ताओं को सत्ता संगठन में स्थान मिले ताकि और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। मैंने आज चुके बहुत लेट पहुंचा आपके बीच में और आज कई दिन से लगा था, बहुत हेक्टिक कार्यक्रम है, बहुत दूर दूर भी है, लगातार में मोर्चे के लिए भी सरकार के कामों का अनुपालन करने के लिए सच मानिए ये साबित करने में लगा रहता हूँ। सरकार को भी और संगठन को भी ऐसा लगना चाहिए कि यदि मोर्चे के अध्यक्ष को मंत्री बनाया है तो ये फैसला पार्टी का गलत नहीं है, सही साबित करने के लिए मैं दिन रात दौड़ता हूँ, मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ ताकि मोर्चे की गरिमा और बढ़े और भी हमारे कार्यकर्ताओं को सत्ता संगठन में आगे बढ़ने का मौका मिले, ये प्रयास मेरा भी जारी रहेगा। आप सब हम सब मिलकर मोर्चे को मजबूत करें, मोर्चा मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, समाज होगा तो पार्टी होगी और पार्टी होगा तो प्रदेश और राज्य मजबूत होगा। आज संक्षिप्त में अपनी मांग को देता हूँ विराम, बोलो जय श्री कृष्ण।